देखो इंस्टॉल डॉट ई एस डी और इंस्टॉल डॉट डब्ल्यू आई एम को कैसे आप कन्वर्ट करोगे वो आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम अपना विंडोज को जब ऑल इन वन पे जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है कि इंस्टॉल डॉट ई एस डी फाइलें होता है हमारे जो आईओएसओ फाइल में एक्सट्रैक्ट करने के बाद, तो उसको हम कैसे इंस्टॉल डॉट डब्ल्यू आई एम पे कन्वर्ट करेंगे, तो वीडियो में आप बने रहना। सबसे पहले तो विंडोज 11 और विंडोज 10 को आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। करने के बाद आपके जो लैपटॉप या फिर पीसी है उस पर आपको विनरार या फिर विनजिप का आपको जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल होना चाहिए, या आप इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद सिंपल सा इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जो विंडोज 11 और विंडोज 10 जो आप देख रहे हैं इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे मैं एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको विनरार से, उसके बाद आपको विंडोज 10 को भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट पूरा हो जाने के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको करना है, उसके बाद यस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है, आप ध्यान से देखना। ये टाइप करने के बाद आपको इंटरफेस करना है। इंटरफेस करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे लिखना है CD, उसके बाद आपको स्पेस देना है। उसके बाद आपका जो सोर्स फाइल का जो लोकेशन है जहाँ पे आपका इंस्टॉल डॉट ई एस डी या फिर इंस्टॉल डॉट डब्ल्यू आई एम जो आपका रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ रहता है वो। जैसे आप विंडोज 11 को फाइल को ओपन किए जो एक्सट्रैक्ट किए थे उसका सोर्स पे आपको जाना है। सोर्स पे जाने के बाद यहाँ ही आपका रहता है वो। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो लोकेशन फाइल है इसको आपको सिंपल से यहाँ से कॉपी कर लेना है। लोकेशन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल से इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको एक बार इंटर हिट करना है। सिंपल सा आपको फिर ये जो आप देख रहे हैं सिंपल सा ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, इसको सिंपल सा आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपल सा आपको इसको टाइप कर देना है, पेस्ट कर देना है, या फिर आप टाइप भी कर सकते हो मैनुअली। टाइप करने के बाद आपको सिंपल से इंटरफेस करना है। इंटरफेस करने के बाद आपको सारा आ जाएगा जो आप देख सकते हो। आने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है ये जो आप देख सकते हो सेकंड जो मैं ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ, सेकंड जो एक कमांड है इसको आपको वहाँ पे टाइप करना है। सिंपल से यहाँ पे आपको ये टाइप करना है। जैसे यहाँ इंडेक्स नंबर आप देख सकते हो 7 इंडेक्स तक है। सबसे पहले 1 करते हैं, फिर 2 करते हैं, फिर 3 करते हैं, ऐसे करते हैं। और अगर आप किसी एक को करना चाहते हो तो सिंपल से जैसे आप विंडोज 11 प्रो को करना चाहते हो या होम को करना चाहते हो तो वही इंडेक्स नंबर आपको चूज करना और यहाँ पे आपको कर देना। आपको कैसे करना वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं वो कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ जो आप देख सकते हो सोर्स इंडेक्स ये जो देख सकते हो 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल सा वो 2, 3 जो आपको एक करना है, अगर एक करना है तो सिंपल सा आपको यहाँ पे कोई भी एक नंबर आपको चूज कर लेना है इंडेक्स को, वही आपका होगा, ठीक है। और अगर आपको सब करना तो कैसे करना मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो जैसे मैं 1 को अभी कर रहा हूँ, 1 को करने के बाद 2 को करूंगा, 3 को करूंगा, वैसे आपको सीरियल वाइज आप सब कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं ये कमांड को यहाँ पे इंटर कर दिया हूँ, इंटर करने के बाद सिंपल से आपको इंटर बटन को प्रेस करना है। उसका ये प्रोसेसिंग आपका स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। एक्सपोर्टिंग ये हो रहा है, ये आपका ESD फाइल से आपका ये WIM फाइल में कन्वर्ट हो रहा है जैसे आप देख सकते हो। इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा वेट करना है। जैसे देख सकते हो ये 100% कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जैसे आपको कोई अलग इंडेक्स को करना है, जैसे मान लीजिए आपको होम को करना है या फिर प्रो को करना है या फिर एडुकेशन को आपको करना है जो आपका वर्जन है वगैरह, तो इसको करने के लिए सिंपल सा जैसे आप ये जो आप कमांड को इंटर किए थे सिंपल सा आपको सेम कमांड को यहाँ पे इंटर करना है जो अभी आ चुका है नया वाला, यहाँ जो आप देख सकते हो सिंपल से यहाँ भी आपको वो सेम चीज आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे आ जाना है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो सोर्स इंडेक्स 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको 1 के जगह आपको यहाँ दूसरा नंबर यहाँ पे कर देना है। जैसे अब मैं 2 को करना चाहता हूँ, आप कोई भी कर सकते हो, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आप लिख सकते हो। मैं सीरियल वाइज अभी कर रहा हूँ, तो जैसे पहले वाला मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत कम टाइम में ही हो जाएगा। तो इसे मैं 2 इंडेक्स को किया, सिंपल से इंटर आपको प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा जैसे आप देख सकते हो।
जैसे आप देख सकते हो सेकंड एडिशन का जब हमने कमांड टाइप करके किया तो ये बहुत जल्दी हो चुका है। वैसे ही आपको सारे एडिशन को कर लेना है। करने के बाद जैसे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। मैं अभी और करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मैं मतलब मान लीजिए आप पूरा कर लिए, करने के बाद सिंपल सा आपको क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद आपका जो install.wim फाइल है वो आपको कहां पे आएगा मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आपने सोर्स फोल्डर पे गया था उस पे जाने के बाद आपको सिंपल सा नीचे आ जाना है और यहाँ जैसे आपका था install.esd उसके ठीक नीचे पे देखिएगा आपका आ चुका है install.wim। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ, शेयर करना चैनल पर, नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में जो बेल आइकन को प्रेस कर कॉल पर क्लिक कर देना ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम।